नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गस फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों TTML में वापस आज जो तेज़ी है वो फिर से देखने को मिली है। टोटल इंट्राडे की अगर बात की जाए तो जंप काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इस बीच कमेंट्स ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो अभी टाइम क्वार्टर टू को लेकर क्या अपडेट यहाँ पे रहने वाली है, और मंडे को लेकर अभी टाइम क्या जो है अपडेट चार्ट का संकेत के तौर पर रहने वाला है। अभी टाइम हम लोग को क्वार्टर टू के लिए कितनी होल्डिंग बनानी चाहिए, क्या कंपनी क्वार्टर टू में कंपनी टोटल जो है कर्ज मुक्त यहाँ पे हो पाएगी या नहीं, अभी टाइम क्या अपडेट रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अगर आज की ओपनिंग अगर यहाँ पे देखी जाए तो दोस्तों 95 रुपये 70 पैसे के साथ आज की ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली, और 99 रुपये 65 पैसे तक बड़ी जो जंप थी वो यहाँ पे देखने को नजर आई। उसके बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों 95 रुपये 20 पैसे के साथ आज की जो है गिरावट देखने को नजर आई। अगर यहाँ पर क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो वर्तमान जो क्लोजिंग है दोस्तों 96 रुपये 45 पैसे पर यहाँ पर देखने को नजर आई है। लास्ट पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो उसमें उतार चढ़ाव तो काफ़ी देखने को मिले, पर पिछले 500 ट्रेड है उसमें अभी तक जो है 0.84% की जो है रिटर्न्स पर अभी टाइम जो है तेजी बनी हुई है। सीधी सीधे अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 80 पैसे का जो है यहाँ पे जो प्रॉफिट है अभी टाइम देखने को नजर आ सकता है। पर अभी टाइम जो संकेत है जो बाइंग ऑर्डर आज के तौर पर देखा जाए तो उसमें अच्छी खासी बाइंग ऑर्डर के साथ साथ दोस्तों जो जंप है वो 99 रुपये 65 पैसे तक नजर आया। फिलहाल दोस्तों अगर मार्केट में अगर देखा जाए तो जो तेज़ी का जो संकेत है वो ग्रीन सिग्नल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। पर उसके बावजूद अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगातार जो गिरावट है वो यहाँ पे लास्ट एक महीने के ऊपर देखने को नजर आई। 108 रुपये के आसपास से मार्केट जो है दोस्तों गिर कर अगर यहाँ पे देखा जाए तो 94 रुपये 75 पैसे तक मार्केट टूट चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो धीरे धीरे जो है मार्केट वापस यहाँ पे जो है रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की, तो दोस्तों जो अपडेट यहाँ पे आनी चाहिए थी आज, इनकी बोर्ड मीटिंग आज जो फाइनल होनी चाहिए थी, पर वो दोस्तों अभी तक जो है यहाँ पे जो अपडेट है बोर्ड मीटिंग को लेकर कंपनी की तरफ से कुछ भी जो है यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। फिलहाल कंपनी का जो रिजल्ट है उसको लेकर भी दोस्तों कंपनी की तरफ से जो है कोई अनाउंसमेंट, कोई जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी यहाँ पे जारी हुआ नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों अपडेट ये देखने को मिल रही है, अगर इस वीक में कंपनी का अगर रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता है, बोर्ड मीटिंग अगर इस वीक में नहीं होती है, तो कंपनी के दोस्तों इस महीने के लास्ट वीक में अगर लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20 से 21 अक्टूबर के आसपास कंपनी की दोस्तों जो बोर्ड मीटिंग है वो फिर फाइनल होने वाली है, और अगर 27 से 28 के बीच कंपनी का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में चार्ट का जो संकेत अभी टाइम काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वाला देखने को नजर आ रहा है, वो इस वजह से देखने को नजर आया कि मार्केट में आज कारोबार काफ़ी अच्छा देखने को लगातार नजर आया। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों उतार चढ़ाव तो काफ़ी देखने को मिले, पर क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आज देखने को नजर आई है, जो 96 रुपये 45 पैसे पर नजर आई है। फिलहाल कंपनी में अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो सेलिंग ऑर्डर है, प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है, और कंपनी की सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे रिकवर होती हुई देखने को नजर आई है। फिलहाल दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें तो लास्ट 6 महीने का जो चार्ट है उसमें आप लोग को पता चलेगा कि कंपनी में तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है, पर लास्ट 1 महीने के अंदर ऑपरेटर्स का जो टोटल गेम है वो यहाँ पे नजर आया है, तो इसी वजह मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल कंपनी दोस्तों अभी टाइम कुछ आगे चलकर बड़ी जो डील है वो यहाँ पे शायद फाइनल कर सकती है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है वो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के साथ यहाँ पे हो सकती है 5G कनेक्टिविटी को लेकर। तो अभी टाइम दोस्तों हम लोग को उस खबर को लेकर जो आउटलुक से यहाँ पे देखने को मिल रही है, पिछले टाइम दोस्तों देखने को नजर आया कि BSNL वाले डील भी दोस्तों बाद में जाके फाइनल हुई थी, तो अभी टाइम कंपनी जल्दी यहाँ पे आप लोग को जो है बड़ी अपडेट दे सकती है। फिलहाल दोस्तों आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल को लेकर चलो उससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल अगर कंपनी के चार्ट के संकेत की अगर बात की जाए तो चार्ट जो संकेत है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैंडल्स जो है वो सपोर्ट जोन की तरफ रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इस प्रकार की अगर कैंडल आगे लगातार कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे बढ़ती है तो मार्केट में दोस्तों तेज़ी आनी पक्की है, और वही यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले टाइम भी दोस्तों इस प्रकार की जो कैंडल थी वो आप लोग को देखने को नजर आई थी, उसके बाद जो तेज़ी थी वो काफ़ी अच्छी बनी और लगातार जो इंप्रूवमेंट था वो काफ़ी तेज़ी के साथ देखने को मिला। उसी के बाद जो देखने को नजर है कि मार्केट में फिर से जो कैंडल थी वो इस लेवल पे बनी और जो तेजी थी वो 108 रुपए के आसपास तक यहाँ पे बनती हुई नजर आई थी। तो अभी टाइम कंपनी के चार्ट का जो संकेत है, जो सपोर्ट जोन है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस की तरफ काफी अच्छा बढ़कर नजर आ सकता है। फिलहाल कंपनी में दोस्तों अगर 1 वीक के हिसाब से मार्केट को अगर रीड किया जाए तो उसमें जो तेजी है वो काफी ज्यादा जो है लास्ट वीक में गिरावट देखने को नजर आई, पर अगर उतार चढ़ाव की अगर बात की जाए तो दोस्तों कंपनी में लगभग 1 महीने से जो उतार चढ़ाव है वो यहाँ पे ऑलरेडी देखने को नजर आ रहा है। तो इसी के चलते कंपनी में ऑपरेटर्स का जो गेम है वो यहाँ पे देखने को नजर आया। लास्ट वीक की बात की जाए तो दोस्तों कंपनी में लास्ट वीक, इस वीक में दोस्तों कंपनी में जो है गिरावट का सामना यहाँ पे करना पड़ा है। तो अभी टाइम सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है शेयर होल्डर्स के और ऑपरेटर्स की मूर्खता के चलते एक गिरावट जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है।
तो फिलहाल दोस्तों मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि दोस्तों बिग नाम मंडे को फिर से जो है बड़ी जो तेज़ी है वो देखने को मिलने वाली है, तो पेशेंस के साथ हम लोग होल्ड एम पे बनाए रखने की आवश्यकता है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एंसर करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।